प्याज के तेल से आपके तलवों की ऐसे मसाज करके दिखाऊंगी, आपके तलवों में सूजन रहती है या फिर आपके तलवों में कहीं खून जमा हो गया है या कहीं नील पड़ गया है या आपके तलवे सूज गए हैं या आपके तलवों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है या आपके तलवों में बहुत ज़्यादा थकान की वजह से दर्द रहता है या फिर आपके तलवों पर छाले पड़े हुए हैं, ये सब जो आपकी समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं अगर आप इस प्याज के तेल से अपने तलवों की मसाज कर लेते हैं। और आपको मैं मसाज के साथ ऐसे स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, प्याज के छोटे छोटे पीस कर लें इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कट किया हुआ प्याज रखा हुआ है। कई बार होता है कि लोगों के तलवों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो तलवों से जो स्मेल आती है ये उस स्मेल को भी ख़त्म कर देगा। साथ ही साथ अगर आप रात को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे तलवों की मसाज कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपके तलवों में जो खून की कमी है या आपके पैरों में जो खून की कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी, मतलब आपकी जो पानी की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि तो अगर हमारे शरीर में कहीं पानी की कमी हो जाती है तो हम जो है बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इससे मालिश कर लेंगे तो आपके पैरों में जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके अगर स्किन पर बैक्टीरिया है या फिर जो है कीटाणु है उन सब को भी ये आपकी स्किन से जो है दूर करने का काम करेगा। अब ये आपने देखे ग्राइंड कर लिया है, ये बहुत अच्छा इसका मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। आपने एक सूती कपड़ा लेना है और उसके अंदर जो आपने ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है उसको इस तरीके से डाल देना है। इस तरीके से आपने डाल लेना है एक सूती कपड़े के अंदर और फिर आपने ये देखे जितना भी रस है उसको निचोड़ लेना है। ये देखे कितना अच्छा रस ये तैयार हुआ है। ये हमारे शरीर के, ये ऐसा रस है जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम की जो है पावर है उसको भी बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर आपको जोड़ों का दर्द है, कहीं भी आपके शरीर में जो जोड़ है उनमें आपके दर्द रहता है तो उस जोड़ को भी ये ठीक कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जितना भी पेस्ट है बचा हुआ वो सारे पेस्ट का आपने इसी तरीके से जो है जूस निकाल लेना है। तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसके ख़राब होने का भी कोई भी खतरा नहीं होगा। तो अब इसके बाद जो है हम इस प्याज के रस में ऐसा क्या करेंगे कि ये जो है प्याज का तेल बन जाएगा, और उसके बाद हम कौन कौन सी मसाज की सही टेक्निक से अपने तलवों की मसाज करेंगे। अब आपने क्या करना है, गैस ऑन कर लेनी है और गैस को जो है आपने बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है, ज़्यादा जो है तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और आपने ये छोटा सा फ्राई पैन ले लेना है, आपके घर में अगर बड़ा हो तो वो भी ले सकते हो। इसके अंदर आपने जो है ये आपने क्या है, प्याज का जो हमने रस निकाला था ग्राइंड करके और सूती कपड़े का यूज़ करके हमने यहाँ पे रस निकाला था। अब आपने क्या है इसको गर्म होने देना है। जैसे जैसे ये गर्म होएगा तो इसका जो है प्याज का जो है बिल्कुल तेल बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल घर की होम रेमेडी है, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ की ही नहीं है, बस हमने प्याज का यूज़ किया है। तो अब ये धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है अच्छे से। जब आप इसे पकाएंगे तो इसका रंग देखिएगा आप, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसका रंग। अब ये देखिए हमारा जो है ये प्याज का तेल बनकर तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। पहले जो है इसका रंग बिल्कुल पानी जैसा था, पर ये अब ये थोड़ा थोड़ा सा जो है पिंक पिंक शेड में आ गया है। ध्यान से आप इस पानी को देख लें। तो अब आप इसको ठंडा होने दें, जब तक ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद मैं इसको आपको बताऊंगी कि आपने इसको तलवों पर कैसे लगाना है और तलवों पर आपने कितनी टेक्निक के साथ इसकी मसाज करनी है, किस किस तरीके से करनी है, कितने कितने समय के लिए करनी है कि तलवों की आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अब ये देखिए हमारा जो हमने प्याज का जो तेल बनाया था ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम जो है अपने तलवों की इससे मसाज करेंगे। तो तलवों की मसाज करने के लिए हमें जो जो यहाँ पे चीज़ें चाहिए, एक तो है हमारे पास स्पून, हमें एक तो स्पून चाहिए। आप ये प्लास्टिक की है, आप चाहें तो स्टील की स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपने स्पून ऐसी लेनी है जिसका किनारा अंदर की साइड हो, बाहर की साइड ना हो। और आपने यहाँ पे बेलन लेना है, बेलन सभी के पास जो है घरों में अवेलेबल होता है। तो आपने क्या करना है, तलवों पर इस तरीके से जो है अच्छे से इसको जो है प्याज के तेल को आपने लगा लेना है, अच्छे से लगा लें बिल्कुल। इससे क्या होगा, इसको लगाने से जिन लोगों के तलवों पर पसीने आते हैं और उस वजह से जो स्मेल रहती है वो जो है उनकी जो है स्मेल बिल्कुल गायब हो सकती है। आपने तलवों पर भी लगाना है और तलवों के जो ऊपर वाला पार्ट है पंजों पर भी आपने अच्छे से लगाना है। जब सबसे पहला स्टेप तो यही है, जब आप इसको लगा लेंगे तो आपके जो तलवे हैं उन पर आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, स्पून लेनी है और स्पून के साथ जो है आपने स्पून के साथ अच्छे से अपने तलवों पर इस तरीके से एक हीट पैदा करनी है ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है तलवों का वो चलना स्टार्ट हो जाए। ये पहला स्टेप तो यही करेगा, जैसे ही आप इस
इसको लगा लोगे अपने तलवों पर, इससे क्या होगा, आपके तलवों की जितनी भी स्मेल है, जिस भी वजह से है, वो आपके तलवों की स्मेल जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, अच्छे से चम्मच के साथ जो है अपने तलवों को इस तरीके से, आपने चम्मच से जो है अपने तलवों को इस तरीके से मसलना है आपने। आपको पता होगा हमारे ये वाला पार्ट जो है हमारा ज़मीन पर नहीं लगता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको यही पार्ट देता है, तो इस पार्ट को भी आपने अच्छे से जो है इस तरीके से रब करना है। फिर जो है आपने एड़ियों के ऊपर जो आपकी एड़ियाँ हैं इन पर चम्मच को इस तरीके से आपने घुमाना है। इससे क्या होगा, आपके फूल तलवों में जो है ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आप जो भी इसके ऊपर स्टेप करेंगे मसाज का, वो आपका जो स्टेप है डायरेक्ट आपके तलवों को रिलैक्स देगा। साथ ही साथ अगर आपके तलवों में सूजन है उसको भी ये ख़त्म कर देगा। तो अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इस तरीके से जो है सेंटर है आपका, वहाँ पे जो है आपने चम्मच को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे क्या होगा, आपके जो पैरों में जो थकान है, आपके तलवों की जो थकान है, वो आपके तलवों की थकान बिल्कुल गायब हो जाएगी। और ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। और आप इससे पहले वाला जो मैंने स्टेप बताया था, जो आपको मैंने हीट पैदा करने के लिए बताया था तलवों में, वो भी स्टेप जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। और यहाँ पर ये वाला स्टेप भी जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। और उसके बाद क्या करना है, हमने जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पर जो है चम्मच को इस तरीके से जो है आपने घुमाना है। ये आप जो जैसे ये थंब है और ये हमारी फिंगर है, इसके बीच का जो पार्ट है यहाँ पर आपने चम्मच को इस तरीके से अच्छे से रब करना है। और फिर जो है सेकंड इसी तरीके से आपने जो है पूरे जो आपके तलवों के ऊपर वाले यानी फिंगर के जो नीचे वाला पार्ट है उसको आपने अच्छे से इस तरीके से मसलना है। और ये भी आपने जो है 1 मिनट के लिए करना है। ये क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को अच्छा करेगा। और साथ ही साथ अगर आपके पैरों में सूजन है वो भी आपकी ठीक कर देगा। और अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि हमारी जो जोड़ों की नसें हैं या हमारे पूरी जो बॉडी की नसें हैं वो हमारी ख़त्म होती है हमारे पंजों में आकर यानी हमारे तलवों में आकर, तो इससे क्या हो रहा है आपकी बॉडी की हर एक पार्ट की जो नस है वो दब रही है, जिस वजह से क्या होगा आपकी जो है फुल बॉडी को रिलैक्स मिलेगा अगर आप तलवों की मसाज करते हैं तो। उसके बाद बात कर रहे हैं हम अपने चम्मच के साइड वाली पार्ट की। ये हमारे चैनल्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर आप रात को इस तरीके से मसाज करके सोते हैं तो देखिएगा आपकी फुल बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। और अच्छे से इसको रब करना है अपने चैनल पे। आप चाहें तो अपने थंब से भी जो है इसको इस तरीके से आप मसल सकते हैं ताकि आपकी जो पैरों की जो नसें हैं हर एक नस को आपको रिलैक्स मिल सके। और चाहें तो आप ऐसा चम्मच के साथ भी कर सकते हैं। कई लोगों के क्या होता है कि पैरों पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो अगर आप ये जो है तेल लगाते हैं जो हमने प्याज का बनाया, तो इससे क्या होगा आपके पैरों पर जो बाल आते हैं उनके बाल भी आने की जो है ग्रोथ वो कम हो जाएगी। तो ये चैनल पर भी मसाज आपने चम्मच से इसी तरीके से जेंटली तरीके से आपने करनी है, बिल्कुल भी हार्ड आपने नहीं करनी है। और ऐसा भी आपने जो है 1 मिनट के लिए करना है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम बेलन की। बेलन से आपने क्या करना है, आपके ये देखिए मेरे जो तलवे हैं वो लाल पड़ गए हैं। लाल ऐसे इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरे जो तलवों का ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था वो बिल्कुल चलना स्टार्ट हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारे यहाँ नीले नीले से दाने पड़ जाते हैं। अपने बेलन को इस तरीके से अपने तलवों पर रखना है और जैसे आप रोटी को पीसते हैं वैसे ही अपने इन तलवों को पीसना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो पैरों का हर एक जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है वो हर एक पॉइंट आपका दब जाएगा। और दबने की वजह से आप देखेगा आपके पैरों को फुल बॉडी को आपको कितना अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। तो ऐसा भी जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। और ध्यान से देखिए आपने एड़ी से लेकर आपने जो है अपनी उंगलियों तक अच्छे से प्रेशर डालते हुए जो है इस तरीके से आपने बेलन को घुमाना है और आपने जेंटली तरीके से प्रेस करना है, ज़्यादा हार्ड आपने प्रेस नहीं करना है। इस बात को आप जो है ध्यान में रखें। और उसके बाद जो बेलन का ये वाला जो एरिया है इसको जो है आपने एड़ियों पर रखकर इस तरीके से जो है आपने क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। इससे क्या होगा, आपकी एड़ियों में जो दर्द रहता है तो अगर इससे आप मसाज करेंगे तो आपके जो हील का पेन है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपने अच्छे तरीके से अपने पूरे जो तलवे पे हैं उन पर इस तरीके से आपने बेलन को मसलना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो तलवे हैं वो रिलैक्स महसूस करेंगे और आपके तलवों की थकान जो है गायब हो जाएगी। और अगर आपके तलवों में सूजन है तो आपके तलवों की सूजन भी जा सकती है। और अगर आप करनाल प्लस की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो करनाल प्लस के जो है पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।